नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नीरज। लोगों के लापता होने की खबरें बीते कुछ समय से काफी ज्यादा सामने आई हैं, जिसने सभी की चिंता को बढ़ाने का काम किया है। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में कई सारी गुमशुदगी की रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग ने कई लोगों को तो खोज भी निकाला है, लेकिन अभी भी कई लोग नहीं मिल पाए हैं। इन लापता होने वालों में सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जो कि बड़ी परेशानी का विषय है। वहीं अब उत्तराखंड के अलावा भी अन्य राज्यों से ये मामले बढ़ने लगे हैं, और इन्हीं मामलों में एक ताज़ा मामला जुड़ा है हिमाचल प्रदेश से, जहां पांवटा साहिब के पास से एक नाबालिग छात्र लापता हो गया है। यहां रहने वाले खत्री राम परमार ने पुलिस को जानकारी दी है कि कल शाम 5 बजे से उनका बेटा किंशुक परमार लापता है। उसे आखिरी बार बीकानेर मिष्ठान भंडार के पास देखा गया था और अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। पुलिस की एक टीम छात्र को ढूंढने की कोशिशों में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ परेशान परिजनों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि उनका बेटा किसी को भी दिखाई दे तो उनको फौरन सूचित किया जाए। सूचना देने के लिए उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, 9736655011, 9805835444, ये वो नंबर है जिस पर सूचना दी जा सकती है। बहरहाल पुलिस भी किंशुक को ढूंढने के सभी मुमकिन प्रयास कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।